आहे. मराठी विषय बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम या कार्यक्रमाचे नियोजन करणारे आहेत श्री महेश पालकर आणि त्यांचे सहभागी आहे शेख इकबाल. या तासाला इयत्ता 3 मध्ये मी आपल्याला मराठी हा विषय शिकवणार आहे. पाठाचे नाव आहे आपण सारे खेळू. आजचा दिनांक आहे 17 ऑक्टोबर 2020. टाइम आहे 8 सकाळी 8 वाजता. माझे नाव आहे सोपारकर फरहत अब्दुल बासित आणि आमचे सीएनओ आहे अजीम राही अब्दुल सलाम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु. वो फूल हैं जो जिंदगी की परेशानियों में आसानियों और कामयाबियों की खुशबू बिखेरती है. मेरी दुआ है अल्लाह का फजल करम हमेशा आपके साथ हो. अमीन सुमामी. इसके निगहबान क्या फरिश्ते आपकी हिफाजत करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वो फूल हैं जो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू परेशानियों और कामयाबियों की खुशबू बिखेरती हैं. मेरी दुआ है अल्लाह का फजल करम हमेशा आपके साथ हो और अल्लाह और उसके फरिश्ते आपके निगहबान हों, आपकी हिफाजत करें. सुबह बखैर बच्चों, आपकी जिंदगी में ऐसी खुशगवार सुबहें हमेशा नमूदार हों. आज का विषय शुरू करण्यापूर्वी मी आपल्याला एक गोष्ट सांगणार आहे. ती गोष्ट आपल्याला लवकर लवकरच ऐकायची पण आहे आणि लक्षपूर्वक ऐकायची पण आहे. ये कहानी मी आप लोगों को सुनाऊंगी. ये कहानी जो है वो नज़म की सूरत में मैं आप लोगों को बताऊंगी. फिर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब जो है वो आपको देंगे. शुरू करते हैं. सुनो एक दिन का है ये माजिरा, था एक शेर जंगल में सोया हुआ. सुनो एक दिन का है ये माजिरा, था एक शेर जंगल में सोया हुआ. हुआ एक चूहे का वहां से गुजर, पड़ी शेर पर जू ही उसकी नजर. हुआ एक चूहे का वहां से गुजर, पड़ी शेर पर जू ही उसकी नजर. लगा शेर के मुंह पे दुम फेरने, तो घबरा के अंगड़ाई ली शेर ने. लगा शेर के मुंह पे दुम फेरने, तो घबरा के अंगड़ाई ली शेर ने. उठा शेर गुस्से में भिपरा हुआ, लिया अपने पंजे में उसको दबा. उठा शेर गुस्से में भिपरा हुआ, लिया अपने पंजे में उसको दबा. पुकारा ये चूहा खता बख्श दो, मुझे छोड़ कर तुम दुआ मेरी लो. सलामत यहां से जो मैं जाऊंगा, तो एक रोज भी मैं काम आऊंगा.
सलामत यहाँ से जो मैं जाऊंगा, तुम्हारे भी एक रोज काम आऊंगा। सुना शेर ने तो बहुत ही हंसा, कहा तू मेरे काम क्या आएगा। सुना शेर ने तो बहुत ही हंसा, हा। कहा तू मेरे काम क्या आएगा। हकीर और नन्हा सा चूहा है तू, मेरे सामने चीज ही क्या है तू। तो रहम आ गया शेर को उस घड़ी, कहा बख्श दी जान मैंने तेरी। और चूहा वहां से रवाना हुआ, वहीं लेट कर शेर फिर सो गया। फिर एक दिन शिकारी वहां आ गया, जूही जाल में शेर उसके फंसा। चीखा दहाड़ा पटक कर जो सर, तो चूहे को भी हो गई फिर खबर। उतर कर शिकारी का चूहे ने जाल, कहा शेर से ये है मेरा कमाल। उतर कर शिकारी का चूहे ने जाल, कहा शेर से ये है मेरा कमाल। नहीं है जहां में कोई भी हकीर, वो बेहतर है जिंदा हो जिसका जमीर। नजम अच्छी लगी बच्चों? अब चलो मैं सवाल पूछूंगी, जवाब देंगे। हाँ, ये कौन सी कहानी थी? ये कौन सी कहानी थी बेटा? अपना माइक शेर खोल। और चूहे की, चूहे की। हाँ, शेर और चूहे की कहानी थी। ठीक है, चलो अब आपने और कौन कौन सी कहानियां सुने, कोई एक एक दो नाम बताओ मुझे। खरगोश और मेंढक। खरगोश और खरगोश, खरगोश और खरगोश कछुआ, और खरगोश कछुए। और कछुआ, हाँ अच्छा, और कोई एक नाम बोलो। बंदर और मगरमच्छ। बंदर और मगरमच्छ, चलो ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों को बहुत सारी कहानी मालूम है। आज हम जो कबूतर और चूहे की कहानी, कहानी। ठीक है, चलो अभी मैं आप लोगों को कहानी मराठी में आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, जैसा नाम आए टिगरो शेर और लोमड़ी। आनी सोलहा। चलो अब, शेर और एक भेड़िया के ना। हाँ, चलो ठीक है, चलो अभी अपने माइक बंद कर देंगे और जो है वो ध्यान से कहानी सुनेंगे। एक होते जंगल, पीछे होता सिंह, तो पड़ला आजारी। कोल्हा आला त्याला भेटायला, सिंह म्हणाला मला भूक लागली, मी आजारी आहे, तू इथे जवळच शिकार शोध। एक घना जंगल था, उसमें एक शेर था, शेरे बबर। तो पड़ला आजारी, मतलब वो बीमार हो गया। कोल्हा आला त्याला भेटायला, लोमड़ी उसको भेट मुलाकात करने के लिए आई, मिलने के लिए आई। जब कोई बीमार होता है तो आप लोग भी देखे होंगे ना, अम्मी अब्बा जो है वो उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, हाँ, उनकी आयादत करने के लिए जाते हैं। तो जब लोमड़ी को पता चला कि शेर जो है वो बीमार है, अब क्या होगा? क्योंकि लोमड़ी जो है वो शेर का जो बचा हुआ खाना है वो खाती है। शेर शिकार करता है और जाकर जो है जो खाना उसका बच जाता है उस खाने को जो है वो लोमड़ी खाती है। अब देख रही है कि शेर तो बीमार हो गया है, अब मेरे खाने का क्या बनेगा, क्योंकि लोमड़ी थोड़ी सी चालाक भी होती है ना।
और थोड़ी सी मुरव्वत भी उसने की, जाके जो है वो शेर से मुलाकात करने लगी। सिंह मनाला, मला भूक लागली, मी आजारी आहे, तू इथे जवळच शिकार शोध, मैं बीमार हूं, मुझे भूख लगी है, एक काम कर, तू यहीं पर कहीं पर नजदीक में ही कोई शिकार ढूंढ, जवळच नजदीक शोध ढूंढ। हाँ लगेच निघतो कोल्हा म्हणाला, कोल्हा कोल्ह्याला रानात मेंढ्या चरताना दिसल्या, हाँ लगेच निघतो लोमड़ी ने जवाब दी, हाँ चलो मैं फौरन निकलती हूँ, एकदम फटाफट फटाफट निकलती हूँ। कोल्ह्याला रानात मेंढ्या चरताना दिसल्या, लोमड़ी को जो है वो रानात जंगल, जंगल को जंगल भी बोलते हैं और रान भी बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे उसको मेंढे जो है वो चरते हुए दिखाई दे, मेंढे भेड़, मेंढे भी बोलते हैं आमतौर पे, आम जबान में बोला जाता है, और जो है वो उर्दू में उसको भेड़ कहा जाता है, चरते हुए यानी घास जो है वो खा रहे थे वो दिखाई दिए। कोल्हा मनाशी मनाला, वाह चांगली शिकार आहे, एक मेंढी पकडू सिंहाकडे घेऊन जाऊ। कोल्हा हळू हळू मेंढी जवळ जाऊ लागला, कुत्रा दुरून हे पाहत होता। कोल्हा मनाशी मनाला, मतलब लोमड़ी ने दिल ही दिल में कहा, वाह आप लोग भी बोलते ना वाव ग्रेट, अरे वाह कितनी अच्छी बात है ना, चांगली शिकार आहे, चांगली अच्छी, अच्छे शिकार है, ये तो जो जानवर हैं वो थोड़े से बुद्धू जैसे होते हैं, मैं तो इनको आसानी से पकड़ लूंगा, उसके दिल में ऐसे ख्याल आया कि आसानी से आराम से उसको मैं पकड़ लूंगा। एक मेंढी पकड़ू सिंह कड़े घेऊन जाऊ, एक जो है वो भेड़ में पकड़ लूंगा और शेर के पास उसको लेके चला जाऊंगा। कोल्हा हड़ू हड़ू मेंढी जवर जाऊ लागला, लोमड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव जो है वो शिकार के तरफ, अपने मेंढी की तरफ, भेड़ों की तरफ बढ़ने लगा कि चलो जाके मैं उसको पकड़ लूं, लेकिन उसको नहीं पता था कि वहां पर जो है वो एक कुत्ता उनकी देखभाल करने के लिए रखा गया है। ये उसे पता ही नहीं था, उसको कुत्ता दिखाई नहीं दिया। जो चरवाहे जो है अपने जानवरों को चरने के लिए लेके जाते हैं तो साथ में कभी कभी कुत्तों को या जो है वो डंडा वगैरह रखते हैं, ताकि अगर कोई उनको उनके जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आए तो फिर उनको वो मार के भगाए। अब लोमड़ी ने जो है वो भेड़ों को तो देख ली थी कि भेड़े चर रही है, चलो एक भेड़ में आसानी से पकड़ के लेके चली जाऊंगी और जाके शेर को दे दूंगी, दोनों का खाना हो जाएगा। लेकिन उसके सारे प्लानिंग पे पानी फिर गया, क्यों? क्योंकि एक कुत्ता जो है वो उसको दूर से देख रहा था, कुत्रा दूर उन्हें पाहत होता। कुत्रा कोल्हा मागे धावून कोल्हा वेगाने पडू लागला, कुत्रा कोल्ह्याच्या मागे धावला, कोल्हा वेगाने पडू लागला। अब जैसे ही लोमड़ी जो है वो मेंढों को पकड़ने के लिए, भेड़ों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, कुत्ते ने जो है वो लोमड़ी को देख लिया और कुत्ता जो है वो तेजी से लोमड़ी के पीछे दौड़ने लगा, और उतनी ही ज्यादा तेजी से जो है वो लोमड़ी भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगी। जो जानवर शिकार करते हैं ना, वो कौन से जानवरों का शिकार करते हैं? उन जानवरों का शिकार करते हैं
जो घास खाते हैं या पत्ते पौधे खाते हैं। गोश्त खाने वाला जानवर गोश्त खाने वाले जानवरों का शिकार कभी नहीं करता। हाँ, आपस में लड़ाई मारपीट होती है उन लोगों की, लेकिन जो है वो एक दूसरे का शिकार नहीं करते। ये अल्लाह ताला का निजाम है कि अल्लाह ताला ने ये निजाम बनाया है कि गोश्त खाने वाले जानवर जो है वो घास खाने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। अब आपको मालूम है कुत्ता भी गोश्त खाता है, हड्डी खाता है, लोमड़ी भी जो है वो गोश्त खाती है, तो इसके लिए जो है वो कुत्ता जो है वो उसके पीछे भागा तो लोमड़ी भी डर के मारे भागने लगी कि ये तो अब मुझे मारेगा। वैसे भी तो शिकार करने की आदत तो उसकी होती नहीं है, शिकार तो शेर करके लाता था, लेकिन अब शेर जो है वो बीमार था, इसलिए उसकी मदद करने की खातिर जो है वो लोमड़ी शिकार करने के लिए निकली, लेकिन जो है वो बेचारी उसमें खुद ही फंस गई। कुत्ता जो है वो लोमड़ी के ऊपर झपटा मार के पीछे पीछे उसके भागने लगाया, बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया उसे। कोल्हा मनाशी मनाला, सुटलो बुआ एकदाच, चला आता सिंह कड़े जाऊ। कोल्हा मनाशी मनाला, अपने दिल ही दिल में कहने लगा, सुट लो बुआ एक दाचा, अरे अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है, बच गया, भाग के निकल गया मैं तो, नहीं तो कुत्ता तो मुझे मार ही डालता था। हाँ ऐसा हाँपने लगा वो। अतः सिंह कड़े जाऊ, अभी जो है वो शेर के पास जाते हैं और उसको पूरी कहानी सुनाकर बता देते हैं कि मेरे साथ में क्या हुआ। सिंह म्हणाला, काय रे काय झालं, कुठे आहे शिकार? सिंह जो है वो कहने लगा, शेर कहने लगा, क्या रे क्या हुआ? तो शिकार पकड़ने गया था, शिकार किधर है फिर? हाँ खाली हाथ वापस आ गया। कोल्हा म्हणाला, शिकार दिसली, मी पकडायचा प्रयत्न केला, तेवढ्यात कुत्रा माझ्यावर धावून आला, म्हणून मी परत आलो। कोल्हा जो है वो कहने लगा कि मुझे शिकार दिखाई भी दी थी, ती सारी भेड़े थी, मैंने दिल में सोचा चलो जाकर अभी एक जो है वो मेंढे को, एक भेड़ को मैं पकड़ लेता हूँ, और पकड़ने की कोशिश भी की मैंने, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके ऊपर जो है वो आगे बढ़ के उनको पकड़ने ही वाला था, तेवढ्यात कुत्रा बाजावर धावून आला। इतने में वहां से एक कुत्ता जो है वो मेरे ऊपर जो है वो भाग कर आया, म्हणून मी परत आलो, इसलिए मैं वापस आ गया, आता जातो दूसरी शिकार शोधतो, अभी फिर से जाता हूँ और कोई दूसरी शिकार ढूंढता हूँ, दूसरा शिकार तलाश करता हूँ। कहानी सबको अच्छी लगी? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अच्छी थी कहानी? हाँ खुर्शीद बोलो बेटा। हाँ हाँ अच्छी थी, हाँ वेरी गुड। चलो अब आगे क्या हुआ होगा? हाँ चलो ठीक है, आप लोग सोचो कि आगे क्या हुआ होगा। फिर से वो गया होगा ढूंढने के लिए, उसको कौन मिला होगा? हाँ उसके साथ फिर क्या हाल हुआ होगा? ये सब चीजें जो है वो हम लोग, आप लोग सोचते बैठो, तब तक कि हम लोग थोड़ा सा आगे का काम कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है मिस। चलो आता इथे एक प्रश्न दिलेला आहे आपल्याला, चित्रे पहा, प्रत्येक चित्रात काय कमी व काय जास्त ते ओळखा व सांगा। चित्रे पहा, तस्वीरे देखो, प्रत्येक चित्रात काय कमी व काय जास्त ते ओळखा व सांगा। कुछ तस्वीरें यहाँ पे आप लोगों के सामने आएंगी, उन तस्वीरों में कुछ चीजें ज्यादा है और कुछ चीजें कम है, तो आपको जो है वो पहचानना है कि उसमें कौन सी चीज कम है या ज्यादा है, ठीक है? चला चलो बोलो, किसकी तस्वीर है? चश्मे की। चश्मे की।
अब इसमें मुझे बताओ कमी है या ज्यादा है कुछ? कमी है, कमी है। किस चीज? चश्मा टूट गया है। चश्मा टूट गया है, क्या चीज टूट गई है उसमें से? उसकी डंडी। डंडी, डंडी के अंदर ये कमी है कि उसमें चश्मे की एक डंडी नहीं है। चश्मात एक डंडी नहीं, चश्मे को चश्मा ही बोलते हैं। ठीक है, चल ठीक है। अब दूसरी तस्वीर हम लोग देखते हैं। हाँ, कौन सा चित्र है? पंखा। पंखा, इसमें कमी है। कमी है, वेरी गुड। डंडी, पंखे में दो पंखी है, पंखड़ी, डंडी नहीं। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? पंखड़ी। पंखड़ी, पंखड़ी नहीं है। ठीक है, चलो वेरी गुड। आता बगुया, पुढचा चित्र बगुया। साइकिल। साइकिल, आप मुझे बोलो साइकिल इसमें कमी है कि ज्यादा है? ज्यादा। क्या ज्यादा है? दोनों तरफ हैंडल है, तो यार एक हैंडल जास्त है। चला आता बघूया, पुढचा चित्र बघूया। बस इसमें कमी है। हाँ, याद, चाक नहीं है, बसाचा चाक नहीं है। वेरी गुड। चला आता पुढे बघूया, हा कोणता चित्र आहे? दंडी, घड़ी में डंडी रहती है बेटा। घड़ी का काटा नहीं है, काटे असतात, हाथ असतात, हाथ, हाथ बोलते उसको, शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड। हाँ, तो जो है वो उसमें काटे नहीं है। घड़ी को मराठी में क्या बोलते हैं बोलो, किसी को पता है? घड़ियाल। घड़ियाल, घड़ियाल। चल आता बघूया, हा कोणता है? हाँ, दो पकड़ने वाला है। हाँ, पकड़ने वाला हैंडल जो है वो, हाँ, ज्यादा है। चलो इस कप में पकड़ने वाला दूठू है, ज्यादा है। अच्छा, दूठू है। चलो अभी जो है वो आप लोगों ने इस सबक में जानवरों के बारे में मैंने दो कहानी आप लोगों को सुनाई, एक शेर और चूहे की कहानी सुनाई और एक शेर और लोमड़ी की कहानी सुनाई। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे और कौन कौन से जानवर है। ठीक है, शेर और लोमड़ी की कहानी में जो है वो चार जानवर थे टोटल, है ना? हाँ, उसमें से दो जो है वो जंगल वाले थे और दो जो है वो पालने वाले थे। ठीक है, जो पालने वाले जो जानवर होते हैं उनको हम कहते हैं पालतू जानवर और पाड़ियू प्राणी, पाड़ियू प्राणी। ठीक है, और जो जंगल में रहने वाले रहते हैं उनको हम कहते हैं जंगली जानवर, और मराठी में भी उसको जंगली प्राणी असे म्हणता। चला आता अपन बघू पाड़ियू प्राणी कौन कौन से जानवरों को हम लोग पालते हैं। ठीक है, चित्र दिसला आपल्याला? हाँ, चला कुत्ते को क्या कहते हैं? कुत्रा। कुत्रा, कुत्रा मराठी में क्या बोलते हैं? कुत्रा। कुत्रा, हाँ बोलो। कुत्रा, ये क्या है? ये कौन सी तस्वीर है बोलो? अभी बोलो कौन सी तस्वीर है? म्यूट कर दिया था सबको। और मराठी में उसको क्या कहते हैं? मांजर। क्या कहते हैं? मांजर। म्यूट मत कर सकते। चलो चलो, आप देखो अगली तस्वीर देखो। ये कहानी में था ना भेड़, टीचर भेड़, भेड़, भेड़। और मराठी में क्या कहते हैं? मेंढी, 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 मेंढी। अब बोलो ये क्या है? गाय। गाय, गाय को गाय ही बोलते हैं। मराठी में भी क्या बोलते हैं? गाय। चलो अच्छा, बकरी, बकरी को बोलते हैं
शेरी, मराठी में क्या बोलते हैं? शेरी। चलो ये बोलो क्या है? गधा। गधे को क्या बोलते हैं? गधे को क्या बोलते हैं मराठी में? गाढ़ो। गाढ़ो। गधा गाढ़ो। चला आता बघूया जंगली प्राणी, बघूया आता आपण कोण कोणते जंगली प्राणी आहे। मराठी में बोलते हैं सिंह और उर्दू में इसको हम कहते हैं शेरे बबर। शेर बबर, बबर। हाँ शेर बबर, लेकिन हम लोग आम तौर पर शेरी लोमड़ी। लोमड़ी मराठी में क्या नाम था इसका? कोल्हा। कोल्हा कोल्हा। अभी नहीं करो। अभी ये बोलो क्या है? भालू। 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 और मराठी में अस्वल। 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 मिक्स रोज होएगा सुबह को? क्या होएगा सुबह को? चलो तो रोज तो हो रही है बेटा, कई महीनों से तो हो रही है। चलो ये है बोलते क्या बोलते हैं? टाइगर। इंग्लिश में टाइगर बोलते हैं, उर्दू में चीता, और मराठी में चीता। चीता मराठी में ये है बाघ। मराठी में बाघ बोलते हैं और उर्दू में उसको शेर बोलते हैं। बाघ शेर। ठीक है देखो अभी फर्क मैंने इसीलिए जो है वो तीनों तस्वीरें मैंने चला था। पूरे पुर्चा बगुया चीता। उर्दू में कहते हैं चीता और जो है वो मराठी में कहते हैं चित्ता। ठीक है सिंह वाघ चित्ता। सिंह जो है वो उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, वाघ के ऊपर स्ट्रिप्स होती है लाइनें होती हैं और चीते के ऊपर जो है वो डॉट दायरे होते हैं। चला आता पूरे बगुया इसको क्या बोलते हैं बोलो? हिरण। वेरी गुड। और मराठी में इसको कहते हैं हरिण। 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 चलो अभी आगे देखते हैं हम लोग और क्या है अभी यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी चीजें। हाँ अभी मैं जो है वो इस सबक में आने वाले आप लोगों को कुछ अल्फाजों के मानी बताऊंगी। ठीक है हाँ मराठीत लिहिलेला है जंगल, त्याचा अर्थ आहे जंगल। जंगल को जो है वो मराठी में भी जंगल कहते हैं, उर्दू में भी जंगली कहते हैं। वेरी गुड। चला आता पुढे बघूया आजारी। आजारी बीमार। आजारी बीमार। क्या है? भूख। भूख उर्दू में भी क्या कहते हैं? भूख। आता पूरे शिकार। शिकार को कहेंगे उर्दू में क्या बोलते हैं? शिकार। शिकार। वेरी गुड। उर्दू में भी जो है उसको शिकारी बोलते हैं। चला आता हड़ू हड़ू। धीरे धीरे। धीरे धीरे। आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है आहिस्ता आहिस्ता या धीरे धीरे दोनों सही है बेटा, आप लोगों का भी सही है, धीरे धीरे भी सही है, हड़ू हड़ू आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। चलो प्रयत्न। प्रयत्न मतलब कोशिश। प्रयत्न मतलब कोशिश। चलो एक बार मैं पढ़ा देती हूँ मराठी में और उर्दू में, सिर्फ मेरे अपने दिल में दोहराएंगे, अपने दिल में दोहराएंगे। जंगल जंगल। आजारी बीमार। भूख भूख। शिकार शिकार। हड़ू हड़ू आहिस्ता आहिस्ता। प्रयत्न कोशिश। अब जो है वो आज की तालीम देखेंगे हम लोग, इस सबक से हम लोगों ने सीखे क्या आखिर में, ये कहानी जो है वो आप लोगों को बताने का मकसद क्या था वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मुश्किल परेशानी के वक्त घबराना नहीं चाहिए,
हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत मेहनत का फल हो। मेहनत का फल मीठा। टीचर आवाज नहीं आ रही है। हाँ मेरा नेट का थोड़ा सा इशू हो गया है, ज्वाइंट करती हूँ, रुको। मुश्किल परेशानी के वक्त आ रही है। चलो हाँ एक सेकंड के लिए मेरा नेट चला गया था क्या? हाँ चलो। मुश्किल परेशानी के वक्त घबराना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत का फल कामयाबी की सूरत में अल्लाह जरूर अता करता है। लोमड़ी को तो शिकार करने की आदत नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त के लिए जो है वो शिकार करने के लिए वो निकली, ठीक है, और वहां पे जो है वो उसको हार भी हुई, लेकिन उसने कहा कि नहीं शेर को कि अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगी, तुम बीमार हो तो मुझे क्या है उससे लेना देना, ऐसा उसने नहीं कहा। उसने शेर से फिर कहा कि मैं फिर जाती हूँ और फिर से जो है वो शिकार ढूंढती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग भी जब कोई काम करते हो और उसमें आपको परेशानी आ जाती है, आपका काम जो है वो सही नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं होते हो, तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। ट्राई अगेन उसको बार बार करते रहना चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। चलो अभी क्या, अभी नहीं बनाना हमारा ये काम, अच्छा नहीं लिखे हमने, या हम क्राफ्ट बना रहे थे सही नहीं बना, तो पेपर फाड़ के सब फेंक के बाजू में नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि उसको वापस से ट्राई करना चाहिए। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम जो है वो सक्सेस हो जाओगे, तुम जो बनाना चाहते हो वो चीज बन जाएगी। तो मेहनत का फल अल्लाह ताला हमको जरूर देता है, और किस की सूरत में देता है? कामयाबी की सूरत में देता है। कामयाबी यानी तुम पास हो जाओगे। अभी तुम बोलोगे कि हमको क्या करना है पढ़ के, है ना, ऐसे नहीं सोचना है, आपको रोजाना उठना है, लेक्चर में लेसन में रोजाना आना है, और पढ़ना भी है, और जो लिखने का काम दिया जाता है वो आप लोगों को लिखना भी है, ठीक है बच्चों। चलो आज का जो है वो, अभी मैं आप लोगों को घर काम एक दे रही हूँ जो आपको घर पे करना है। अच्छा घर काम है 5 पाळीव प्राणी आणि 5 जंगली प्राण्यांची चित्रे आपल्या वहीत चिटकवा। आप लोगों को 5 तस्वीरें पालतू जानवरों की जमा करनी है, और 5 तस्वीरें जो है वो आप लोगों को जंगली जानवर की जमा करनी है, और जो है वो अपनी कॉपी में उसको चिपकाना है, ठीक है, और उसको मराठी में उसके नाम भी लिखने। अभी बताई हूँ ना मैंने आप लोगों को, नाम ट्राई करो, ठीक है, और अगर मराठी नहीं आते हैं तो कम से कम उर्दू में उसके नाम आप लोग जरूर लिखोगे, ठीक है। करेंगे ना सब लोग ये अपना होमवर्क, अपनी टीचर को दिखाएंगे, अपनी टीचर को दिखाएंगे ना। हाँ चलो ठीक है, आज का हमारा ये सबक पूरा हो गया है। अगर इस सबक में से ऐसा कुछ है जो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ ऐसा है? नो टीचर, सब समझ में आया है। ठीक।